और विषय भी उन्होंने सुझाया। और सत्य देवी जी के जो संबंध आए उस संबंध के बारे में स्वदेशी जागरण मंच का विकास कैसा हो उसका मुझे बहुत चिंता है। क्या था उसकी दिशा कैसी बढ़ती गई इस बारे में थोड़ा बताएंगे। ऐसा है रेखी जी का मेरा कुछ संबंध ऐसे रहते हैं कि जिसकी अनुभूति होती है लेकिन उस उन संबंधों को शब्दों में बांधना शब्दों में व्यक्त करना यह बड़ा कठिन काम। नागपुर में देवी जी जब क्या रहते थे तब तक उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिलता है उनके साथ चर्चा तो नहीं लेकिन उनके विचार सुनने का सौभाग्य मिलता था। देवी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिनकी उपस्थिति से ही कार्यकर्ता को प्रेरणा। जैसा सूरज उगता है और सूरज उगने के बाद स्वाभाविक रूप से उठने की प्रेरणा मिलती है काम करने की प्रेरणा मिलती है इसी प्रकार दत्तों पंत ठेगड़ी सही के जो संत पुरुष होते हैं उनके पास ऐसी ताकत होती है ऐसी शक्ति होती है उनके साथ संत संपर्क में आने के बाद काम करने की एक प्रेरणा। हजारों साल पहले हमारे विष्णु मुनियों ने जो विचार रखे उन विचारों से कैसी प्रेरणा। जिंदगी में माना जाना तो चलता है लेकिन जो मनुष्य मनुष्यत्व के लिए जीता जिसके जिंदगी का आधार मनुष्यत्व होता ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है देखने की पुण्य से अत्यंत बुद्धिमान कुशल नेता उत्तम संगठक ये तो उनके गुण थे ही अंग्रेजी में कहा है किसी को देखने के बाद ऐसा लगता है तुसी ही विष्णु लव ऐसा कहते हैं उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं बदम गए जी ऐसे थे ही विष्णु लव उनके साथ बात करो तो उनके बस प्रभावी सीधा साधा उनकी सरलता ही स्वामी मन को प्रभावित ऐसा एक सरल जिसे पारदर्शी ऐसा व्यक्ति अंदर तो मन में है वही बात है ऐसा एक व्यक्ति मात्र उनके साथ संबंध बढ़ते गए स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के दो दिन विचार का अनुभव बताऊंगा। दो दिन पहले का दो तीन महीने पहले का प्रसंग है आपको बताया डब्ल्यू पी ओ जंग
ज्ञान और धंधे की बहुत चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान और धंधे के कारण जो विकसित देश है या विकसित देश IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो विकसनशील देश है और अविकसित देश है उनका शोषण करने का एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है। ऐसी एक जब दंगे खिलाफ पढ़ते थे ज्ञान के बारे में उसके बारे में जब चर्चाएं करते तो लगता था कि दुनिया के साम्राज्यवादी देश दुनिया के जो विकसनशील देश है डेवलपिंग कंट्रीज है और जो अविकसित देश है अनडेवलप्ड कंट्रीज है उनका शोषण करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण कर एक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं जिसका विरोध हो रहा है। चर्चा चली थी डॉक्टर मुखर्जी जी थे कुछ बैठक में मैं था इसका विरोध कर रहे थे। यह साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध होना तो विरोध करना जी बड़े सजग थे कौन सी शब्दावली किन शब्दों में इस साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध इसके बारे में चर्चा चल रही थी और चर्चा चलते चलते डॉक्टर गोखले जी ने कहा देखिए क्या आपको याद है वो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड ग्रेट डिप्रेशन यानी 1928 से 1934 दुनिया में महामंदी के माहौल में दुनिया थी ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था। विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई और उस समय जर्मनी ने पहली बार वहां के जो इकोनॉमिस्ट है डॉक्टर भोगले जी बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हम अब एक नई नीति अपनाएंगे और ये नई नीति का नाम होगा आर्थिक राष्ट्रवाद इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म की दर को डॉक्टर गोखले ने कहा कि उन दिनों इसकी बड़ी चर्चा थी इकोनॉमिक नेशनलिज्म आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय उस समय हुआ उसी समय और दो इकोनॉमिस्ट जिनका नाम दो इकोनॉमिक्स बढ़ते हैं जानते हैं अमेरिका के दो इकोनॉमिस्ट थे डैनियल रेमंड एंड मैथ्यू कैरी। ये डैनियल रेमंड एंड मैथ्यू कैरी उन्होंने ही कहा पूंजीवाद समाजवाद या साम्यवाद यह हमें इस मंदी के बाहर रिसेशन के बाहर निकालने के लिए समर्थ नहीं और इस कारण आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। शताब्दी में 19वीं शताब्दी के आठवीं आती है भारत में दादा भाई नौरोजी
और नैन की राग है, उन्होंने भी एक आर्थिक राष्ट्रवाद इसके बारे में एक किताब लिखी थी, उसके ऊपर लिखा था। तो ये डन के गैर का आने वाले शक्तियों का, ये साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध करने के लिए हमने आर्थिक राष्ट्रवाद यह शब्दावली उपयोग में लानी चाहिए, और आर्थिक राष्ट्रवाद के आधार पर यह साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध करना चाहिए, ऐसी सरकार ने कहा। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद उसके हम से आप प्रेरणा ले, प्रेरणा ले सकते हैं। न्यायमूर्ति रानडे ने जो आर्थिक राष्ट्रवाद की संकल्पना रखी उससे भी प्रेरणा ले सकती है। जर्मनी और अमेरिका में भी आर्थिक राष्ट्रवाद का जो चिंतन चला उसकी भी प्रेरणा ले सकती, प्रेरणा ले सकती। लेकिन मार्क्स का जो संकट है इस यह संकट एक षड्यंत्र, यह रिसेशन के कारण निर्माण हुआ ऐसा संकट नहीं। विकसित देश IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ षड्यंत्र रचा के विकसनशील देश और अविकसित देशों का शोषण करना चाहते, एक आर्थिक गुलामी का यह षड्यंत्र है। और यह आर्थिक गुलामी का षड्यंत्र होने के कारण इसका उत्तर देने के लिए उतनी ही प्रभावी भाषा का उपयोग नहीं करना, भाषा भी ऐसी हो कि आगे चल के लोग हमारे साथ जुड़े। एक माहौल बने, और यह जो षड्यंत्र है साम्राज्यवादी शक्तियों का इसका विरोध करने के लिए समाज भी खराब, और इस कारण दत्तोपंत ठेंगड़ी ने उस समय कहा यह दूसरी आर्थिक आजादी की लड़ाई। यह केवल इकोनॉमिक पेट्रियटिज्म नहीं है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म नहीं है, यह आर्थिक राष्ट्रवाद नहीं है, तो यह एक आर्थिक गुलामी लाने वाले साम्राज्यवादी शक्तियों को परास्त करने के लिए एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस कारण वहां से यह शब्द फिर स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना होने के बाद हम यह एक आर्थिक साम्राज्यवादी शक्तियों के युद्ध में यह एक युद्ध है, यह एक संघर्ष, एक दूसरा स्वातंत्र्य संग्राम है, ऐसी भाषा का उपयोग हम कर रहे हैं। 21 नवंबर 1991 में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई। डॉक्टर गोखले प्रथम संयोजक बने। डॉक्टर के संबंध एक कम्युनिस्ट विचार नेता नहीं, नेता अलग होता है, उनको विचार नहीं है, जो विचार कहते हो नेता बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर गोखले एक मार्क्सवादी विचारक थे, दास कैपिटल उनको मुखोद्गत था,
ऐसे डॉक्टर बोलते मेरे गुरु है, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था जीएस कॉलेज में, वो मेरे प्राध्यापक थे। मुझे मैनेजमेंट पढ़ाते थे, मैं संख्या से अवश्य हूँ। और जब मैं उनके सामने बैठता था तो संघ की फिलोसफी, संघ के ऊपर बड़ी जबरदस्त निकल उनका एक स्वभाव। संघ का तत्व ज्ञान हिंदुत्व के ऊपर सबसे ज्यादा टीका करने वाला प्राध्यापक, यदि जीएस कॉलेज में कोई छात्र डॉक्टर हो क्योंकि वैसे वो सौंदी कहना मेरी उनकी गलती थी। और ऐसा ही मैंने देवी का स्वभाव ऐसा था, उनके खासियत थी कि विरोधी विचार वाले व्यक्तियों के साथ संबंध कैसे है। नागपुर में विदर्भ में एक चौकड़ी थी डॉक्टर भोगे, रामचंद्र गंगाड़ी वर्धा के खासदार थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अमरावती से सुखराम देशमुख और एक अन्ना, ये चार पांच लोग पूरे कम्युनिस्ट। और डॉक्टर गोगरा एबी बर्धन उनके थे, एबी बर्धन का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर गोगरा और एबी बर्धन इन सब के नेता थे। लेकिन देवी का स्वभाव ऐसा था कि सबके साथ, मुझे पता है जब एबी बर्धन मार्क्सवादी पार्टी के लीडर के पूरी तरह, एबी बर्धन कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी बने, प्रधानमंत्री बने, जनरल सेक्रेटरी बने, तो दिल्ली से सर्वपल्ली का फोन, उन्होंने कहा एबी बर्धन कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, सदर में तो जाओ हमारे साथ उनका जो भांजा है उनको लेके जाओ। और ये श्याम और श्रीपद टेंगड़ी जी ने आपके लिए पूछा, मैं और पार्टी जी बर्धन को मिलने के लिए सदर में गए और कहा उनको आप जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के, टेंगड़ी जी ने आपके स्वागत के लिए वो आ नहीं सकते थे, उनका कार्यक्रम के लिए नाम चुनाने का एक महीने के बाद आने वाले, तो आपका निमंत्रण करने के लिए उनको और उनके और से आपका निमंत्रण करने के लिए हम आए और चार क्षीरसागर और डॉक्टर भोपाली जी के बड़े अच्छे और क्षीरसागर को जो संघ को गालियां देते थे उस संघ के, लेकिन प्रेम के संबंध में एक बात उन्होंने टेबी जी को कहा कि झोपड़ी जी को मिलेंगे कोई, अरे तुमने विद्या की है झोपड़ी का, तू सब कम है, आप तो विद्यार्थी हो,
करेंगे मेरे साथ। सुनने का उनका स्वभाव, लोगों की बहुत सुनते। डॉक्टर मुखर्जी ने और जाने के बाद उनका डॉक्टर निकल गया नाम पता था देवी जी का, लेकिन धर्म को उसकी जिला पत्नी को हिंदुत्व को जिसकी धर्म के लिए है जितना चाय तो पिलाएंगे। फिर से खेलने की नागपुर में, और नागपुर में आने के बाद योगा चलो डॉक्टर बोगले उस समय सिरसागर की अपनी मंगल जी की जरूरत नहीं थी, चलो डॉक्टर बोगले जी के यहाँ जाते हैं। मैंने डॉक्टर बोगले जी को फोन किया कि देवी जी आया आपसे मिलना चाहते हैं। गए चर्चा हुई, उनका जो पहला गुस्सा था संघ के बारे में वो पहले बैठक में खत्म हो गया था, जितनी गालियां देनी थी वो पूरे पहले बैठक में सब खत्म हो गया। इस तरह दूसरे बैठक में चर्चा हुई, देवी जी ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट की चर्चा की, बहुत तारीफ की, कहा इकोनॉमी में आपका बहुत बड़ा नाम है, महाराष्ट्र में डॉक्टर बोकरे एक कम्युनिस्ट चिंकर करके जाने जाते हैं। डॉक्टर बोकरे अपनी बात के बढ़िया होंगे, किताबें रख दी डॉक्टर बोगले जी की, दो तीन महिला डेली भी आए और डॉक्टर बोगले जी का बीच में मुझे हुआ डेली जी कब आने वाले हैं। बोगले जी मुझे फोन करते हैं कि डेली जी कब आने वाले हैं, तो मैंने कहा पता नहीं कब आने वाले हैं, लेकिन अभी दो तीन महीने हो गए, मैं बीएमएस के लोगों से पूछता हूँ और बताऊंगा कब आने वाले हैं। पर फिर देवी जी आए और फिर उस समय डॉक्टर बोकरे खुद होके देवी जी को मिलने के लिए पहुंचे। आज दो तीन बैठकों में देवी जी डॉक्टर बोकरे की तरफ गए, लेकिन बाद में डॉक्टर बोकरे देवी जी के पास आए, उनकी चर्चाएं बढ़ने लगी धीरे धीरे, संघ के नजदीक आते गए। डॉक्टर बोकरे जी ने स्वर्गीय सुंदरी सिंह जी की और उनकी कक्षाएं करवाई, बीच में बोकरे जी संघ के कार्यालय जाने लगे और संघ के कार्यालय जाने लगे इतना स्नेह भरा, किताबें पढ़ने के बाद स्नेह बढ़ते गया एंड ए कम्युनिस्ट नाउ हैज बिकम ए हिंदू फिलोसोफर, ए कम्युनिस्ट फिलोसोफर हैज बिकम ए हिंदू फिलोसोफर, क्योंकि हिंदू इकोनॉमिक्स यह किताब लिखने की प्रेरणा डॉक्टर बोकरे ने कहा। आपने ये तो उसमें भी इकोनॉमिक्स की कुछ सूत्र है, मैं तो ज्यादा विद्वान नहीं हूं, मैं जबरदस्त मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूं, लेकिन उसमें भी एक इकोनॉमिक्स की कुछ सूत्र है। डॉक्टर बोकरे जी इतने
अध्यक्ष थे कि उनके बारे में डॉक्टर वर्णेकर जो संस्कृत के विद्वान थे उनके घर जाके उन्होंने महाभारत शांति पर्व कौटिल्य का साथ वेदों का अध्ययन वो पूरा किया और करने के बाद हिंदू इकोनॉमिक स्थिति की शुरुआत भी करें और इसी बीच में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई। उसके बाद हिंदू इकोनॉमिक आया, स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई और देवी जी ने कहा मोदी जी स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हो रही है, आपको अखिल भारतीय संयोजक बनना। और उस पहली बैठक में 21 नवंबर 1991 देशी बात में बैठक हुई, परिवार के कुछ संगठन वहां उपस्थित थे, समय के शरण कार्यवाह शीशा गई थी, उनका आखिरी सत्र में उद्बोधन हुआ। कितना बारीक ध्यान रखते थे, मेरी तारीख नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बताता हूँ कितना बारीक ध्यान रखते थे। कुछ बैठक में मैं था, पीडी को लेकर गया था, मैं कोने में बैठा, बाकी लोग अपने बैठे थे, मैं कोने में बैठा। सबका परिचय हुआ और परिचय होने के बाद मैं कोने में था, ऐसा मेरा परिचय नहीं हुआ। और देवी जी ने किसी ने कहा और एक परिचय आपको करना, आपको हम कर एक परिचय रहा है जो कोने में बैठे है वो धर्मपुरी कॉलेज के दृष्टि कर रहे हैं करेंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा इस बैठक में परिचय हो, वो परिचय हुआ, स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई और स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना होने के बाद यह मंच पे राष्ट्रहित को ध्यान रखते हुए साम्राज्यवाद को विरोध करने वाले सभी लोग इकट्ठा आना चाहिए, सभी नेता इकट्ठा आना चाहिए। ऐसी देवी जी की मनीषा जी और इस कारण जो जो लोग आर्थिक साम्राज्यवाद का विरोध करने वाले हैं, यह विरोध करने वाले लोगों को साथ में कैसे लाए, इस दृष्टि से देवी जी प्रयास करने लगे। 1992 में बंबई में स्वदेशी जागरण मंच का कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में रोजा देशपांडे जो कांग्रेस दंगे की बेटी और कुलकर्णी जो कम्युनिस्ट लीडर थे उनका व्याख्यान, यानी साम्राज्यवाद को विरोध करने वाले सभी शक्ति सभी लोग साथ में आना चाहिए, इस दृष्टि से देवी जी का प्रयास था। देवी जी के प्रामाणिकता के बारे में उनके विरोधी भी उनके ऊपर भी सोचते ही महाभारत में मेरा अच्छा है न तो हम काम में ये राज्य स्वर्गम न पुनरागमन काम ही मुख्य कप्तान प्राणिना आर्तना
कभी राज्य की अभिलाषा नहीं, कभी पद की अभिलाषा नहीं। ऐसा पंडित जी का जीवन था, इस कारण सभी प्रकार के लोग स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े। और ऐसा एक व्यक्ति मतलब नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हमें नागपुर के मेयर थे। मुझे पता नहीं था रेड्डी जी के और उनके संबंध है। रेड्डी जी ने कहा राम रतन जानो के आने जाने कहा रहे थे, मैंने पता नहीं यार। मैंने दलित समाज के राम रतन दोनों जो सफाई कामता के नेता थे उनके घर पीढ़ी की गए और गालियों ने कहा दिल्ली जाना जी ने वहां खाना खाया। तो ऐसे समाज के हर घटक के साथ परिष्करण या स्वदेशी का आंदोलन ऐसा बढ़ते गया। सर्वप्रथम सर्वोत्तम ऐसे आदमी को ऐसे इंसान को क्या कहना चाहिए, सर्वप्रथम सर्वभूत सभी के साथ प्रेम से संबंध रखने की उनकी एक कला। स्वदेशी मैं ज्यादा को आपको बाकी बताया उनके समर्थन कर सकता हूँ, बाद में वाइस चैंसलर बने। और वो वाइस चैंसलर बनने के बाद मैं उस समय मदन लाल की थी स्वदेशी का बातचीत विद्या दिखाए फेंक देना बोलो। स्वदेशी का बातचीत विद्या दिखाए फेंक देना बोलो। डॉक्टर मोहिंद्र जी पर हेली जी को हर समय करते कहते थे हेली जी या आज क्या जो कार्यखंड है वो कार्यखंड स्वदेशी के लिए अनुकूल नहीं, पूरा विरोधी होता है। 1995 में WTO की स्थापना हो गई थी, इस कारण पूरा तरुण जो था वो पूरा तरुण वर्ग जो है वो WTO का गुणगान गाने वाला ऐसा वर्ग था। सभी अर्थशास्त्र के प्राध्यापक जो थे वो सभी अर्थशास्त्र के प्राध्यापक WTO इसके कारण एक नया आर्थिक विकास का मॉडल दुनिया के सामने आ रहा है। और इस कारण ये चलो मुझे बोला मैं भी चिंतित था, हमारे यहाँ एकेडमिक स्टॉप कॉलेज है यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टॉप कॉलेज के जो प्राध्यापक है उनका एक ट्रेनिंग सेंटर ओरिएंटेशन कोर्सेस एंड रिफ्रेशर्स कोर्सेस में करते हैं। तो मेरे पास ये सही जवाब सही जी को एकेडमिक स्टॉप कॉलेज के क्या है इसकी क्या है इसके उस समय सोशल साइंसेस का एक ओरिएंटेशन कोर्स चल रहा है। सोशल साइंसेस में इकोनॉमिक्स फिलोसॉफी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इसका एक ओरिएंटेशन कोर्स चल रहा है। और इस ओरिएंटेशन कोर्स में रेगुलर जी का स्वदेशी जागरण मंच और WTO इसके बारे में उद्बोधन हो व्याख्यान हो
अंदर से घबरा है, ये लग रहा था कि ये भी नहीं दे दे पाए। तो उसमें का माहौल ही ऐसा था कि बदलों की जरूरत में बोल रहा हूँ पूरे राज्य पर सभी जो आदि थे बदलू जो लेकिन बुलाया थी और तय हुआ देवी जी का तीन घंटे का टाइम वो सत्र बैठे डेढ़ घंटा देवी जी बोले और बचा हुआ 15 मिनट के गैप के बाद बचा हुआ डेढ़ घंटा क्वेश्चन है। माहौल तो बिल्कुल अलग है और माहौल अलग है। आई थिंक सबका देवी जी को परिचय का ही सीखा नहीं, मैंने परिचय करवा दिया तो भाई चंद्र रोहित का सब राजा शांति से बैठे अपने यहाँ के कुलपति हैं जो डॉक्टर होते इसके आशीर्वाद की संगठन और देवी की संस्था परिचय किया और परिचय करने के बाद क्या बताओ आपको ढेर संस्था देवी की हो जाएगी उस डेढ़ घंटा में पूरे दुनिया का सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या पूरे दुनिया की सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री उसके 500 भूमि के ज्ञान धन के और डब्ल्यूटीओ का निर्माण और विकसित देशों का इसके पीछे जो उद्देश्य है शोषण का हो बोले और डेढ़ घंटे के बाद 50-60 प्राध्यापक थे उसमें जो सीनियर थे इस विषय के जानकार भी थे पूरे दुनिया का इतिहास सिर्फ इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री और देवी जी ने कहा क्या है हमारा स्वदेशी कार्यक्रम उनके शब्द में हमारे रूप में था कि अभी भी मुझे याद है वो शब्द क्योंकि पंडित जी को आर्थिक भाषा में बोल रहे तो प्राध्यापकों ने कहा अंग्रेजी करो और भी हिंदी में पढ़ा दी अंग्रेजी अंग्रेजी और कराची भी उसको हमको बताया कि हिंदी अंग्रेजी बहुत अच्छी है बहुत ही अच्छी है
और उन्होंने हाथ नहीं कहा और इस वजह से जागरण मच गया। और वो कहते कहते उन्होंने कहा और इस वजह से जागरण मच ऑर्गेनाइजेशन इन विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैव द कन्विक्शन दैट एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ exploitation. Every nation of the world must be free from all types of exploitation. Social, economical, political and cultural. ये स्वदेशी जागरण मंच क्या है? यह स्वदेशी जागरण मंच शोषण के विरुद्ध हर राष्ट्र शोषण मुक्त हो। यह शोषण पॉलिटिकल भी नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी नहीं होना चाहिए, सोशल भी नहीं होना चाहिए और कल्चरल भी। और ऑल दिस WTO गैप एंड डेंजर, वी आर ट्राइंग टू मेक ऑल डेवलपिंग कंट्रीज and this is the Swadeshi Jagran movement is a movement to free all the developing countries from the clutches of capitalism. बहुत अच्छा लगा मेरे को, मुझे लग रहा था एक जी आए और बाद में मैंने पूछा मैंने कंपनी बात कही थी जिसे कंडीश प्रक्रिया We are convinced, but there are some reasons. MBG के election से I got a district और सुबह मुद्दू का शेयर मिल गया राष्ट्र के उसने तुरंत हो तो पत्थर की गलती उसके बुलंद हो तो पत्थर भी बिगड़ते हैं, पर्वत के सीने से रास्ते भी बिगड़ते। मुझे कह रहा था कि ये पत्थर के ऊपर सिर ठोकने से तो ये पत्थर भी बिगड़े पूरे प्रांचा पर जितना तो कहा एक अच्छा व्याख्यान सुनने को हमको मिला। We are convinced, but we also need a way. और उसके बाद जब जब देवी जी आते थे उस राजा को उनको देने के लिए जो आदित्य थे वहां जाते ये मैंने किसी को आज तक ठीक मैंने हाँ ये कहा अजय जी को कि आपको मैं पचास तक साल का हो गया वो हो गया तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि नागपुर के प्राध्यापकों को भी गांधी जी ने जीता। उस समय का जो माहौल था उस माहौल में भी गांधी जी ने स्वदेशी जागरण मंच की भूमिका बड़े दमदार रीति से अच्छे उस समय बदल गया। रखिए आज का माहौल बदल गया। आप लोगों को बताइए जी
झांकी में आकर आज तो बहुत पूरा बदल गया। कल परसों मैं किताब पढ़ रहा था, जी ने मुझे आदत लगाई है पढ़ के, क्योंकि वो किताब पढ़ते थे उसने देखते थे आदमी के बाद किताब पढ़ी क्या है उसमें सोशल पैथोलॉजी इसके बारे में उन्होंने लिखने के लिए कहा। बड़ी सोच लेकर सामाजिक विकृतियों का मूल यंत्र कैसा हुआ उस समय उसकी चर्चा बहुत चल रही है, तो उसमें सोशल पैथोलॉजी की एक डेफिनेशन थी, नेशनल इनकम से सोशल पैथोलॉजी की वैल्यू निकाल के माइनस करने के बाद नेशनल डेथ क्या था। आज मैं कल परसों एक किताब पढ़ रहा था ऐसा बोलते मांस के बाद सबसे ज्यादा खतरे वाली अवस्था है, मांस के बाद सबसे ज्यादा होने वाली है। जो इकोनॉमिस्ट है नोबेल प्राइज विनर है वो कहते हैं कि यह किताब ऐसी है कि आदमी 41 ईयर्स ओल्ड प्रोफेसर प्रो इसने यह किताब लिखी है और लोग कहते हैं कि मां से भी विद्वान यह पढ़ता उसने क्या लिखा उसने लिखा है जब के डब्ल्यूटीओ हुआ जब के लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जब से दुनिया में छाया है तब से दुनिया में विषमता बढ़ी है विद इन द नेशन एंड बिटवीन द और इस कारण जो व्यवस्था के ऊपर चिंतन होना इसमें अभी अभी 2013 का सर्वे आ गया किसका 2013 का जो सर्वे है वह सर्वे परसों ही पढ़ रहा था वो इकोनॉमिक सोशल सर्वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस का सर्वे 2013 का सर्वे है और इस सर्वे ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वे है उन्होंने कहा है जब से लिबरलाइजेशन सबसे पर्यावरण बढ़ा विषमता का बढ़ावा और 100 करोड़ से ज्यादा लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे दुनिया के गए हैं और इस कारण इस व्यवस्था के ऊपर निर्भर विचार होना चाहिए और इसी कारण मैं 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। जब गांधी जी का ध्यान हुआ एक विचार है वह कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म इसका पर्याय खोजने में लगे हुए थे। थर्ड वे कैसा होना चाहिए ये थर्ड वे कैसा होना चाहिए पर्याय खोजने के लिए वो लगे हुए थे और इस कारण यह थर्ड वे के ऊपर चिंतन होना चाहिए। यह थर्ड वे जो है यह थर्ड वे कैसा होगा इसके ऊपर चिंता मुझे लगता है स्वदेशी जागरण मंच के जो अभ्यास वर्ग होते हैं इस अभ्यास वर्ग में कैपिटलिज्म कम्युनिज्म ये क्रिएटिव आज का समय अनुकूल है।
पूरी दुनिया दुनिया की कौन सा भी किताब खोलने देखो आज के अर्थशास्त्री लिख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आज का मॉडल अनुपयोग है अनुपयोगी है। और इस कारण मैं हर समय एक शेर कहता हूँ जिसकर की कविता कहता हूँ मुझे अच्छी कविता है मुझे बहुत अच्छी भाती है कैसा है सभी चीज क्रिएटिव माइनॉरिटी ये क्रिएटिव माइनॉरिटी चिंतन करके थर्ड वे कैसा हो इसका दुनिया के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला ये क्रिएटिव माइनॉरिटी है। तो आज का माहौल अनुकूल है और कैसा है आज का माहौल जब हम काम करते थे स्वदेशी कुर्बानी देते लेकिन आज समय बदल गया बिंदल जी कहते हैं फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलते फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा वातावरण सो रहा था अब आंख मलने लगा आज तक वातावरण सो रहा था अब आंख मलने लगा पिछले सफर की मत पूछो एक टूटा हुआ रथ है और आज चलने लगा घोषणा हो चुकी है मेला लगेगा यही पर हर इंसान कपड़े बदलने के लिए तैयार हो रहा है दृष्टि से नया जीवन की प्रेरणा देती थर्ड वे के बारे में चिंतन यही उनको असली श्रद्धांजलि होगी जरा ज्यादा